तो ये बार हाँ दो साल मैंने वो फोटो अपने आंखों से देखी जो हजरत अली करार की थी, वो उसकी ज्यारत के लिए जाते थे, दूसरे लोगों ने उसको मिटा दिया, तो अली की यादगार को कर मिटा दे। जब उसके टुकड़े कर दिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला फता इल्ला अली ला सहफा इल्ला बका। ये देखिए कोई मर्द नहीं था, जितने तलवारें लड़ी जा रही थी कोई तलवारें नहीं। ये वाकयात की दुनिया में हकीकत बनती है कि कोई भी मर्द नहीं अली के बगैर। इधर लोग शादी शुदा है, बच्चे पैदा करते, मर्द तो हैं, लेकिन ये कहना कोई मर्द नहीं तो भी वो अगर ये सवाल हो जाए जवाब क्या होगा? जो तरीके तरीक़ कसर है उसमें लाल किला के साथ जो तकलीफ आती है इसमें भी कसर का तरीका कार है। कसर की दो किस्में हैं, एक कसर हकीकी वाकई और एक कसर हकीकी इदियाई। कसर हकीकी वाकई उसका नाम है, जैसा आप कहें इस शहर में कोई आलिम नहीं सवाई अमजद रिशा के, अगर और कोई आलिम ना हो तो फिर तो ये कसर हकीकी वाकई होगी कि आपके साथ कोई आलिम नहीं है, और अगर कोई और भी आलिम है तो फिर आप ये कहेंगे अमजद रिशा साहब के बगैर कोई आलिम नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आप ये समझते हैं, जो बयान करने वाला है तो ये समझता है आलिम तो वो और भी है लेकिन हमारे संगीत पर पूरा उतरने वाला सिवाय अमजद रिशा के और कोई नहीं। इस अमजद जगताई और बेअंकाई का ऐलान करा बात बोला नहीं असल का बात बोला असल का बात बोला क्या बात कही तीज लेकर से तीज जाई का मकसद बेअंकाई का ऐलान होता है या काई का ऐलान होता है अदमी दुमासन का ऐलान होता है कि कोई तलवार नहीं सिवाय अली के, यानी तलवारें तो हैं पर अली जैसी तलवार किसी की नहीं, ऐसी है अली की तलवार बेमिसल है, अली की तलवार की कोई मिसल नहीं है। ये कहना कि अली के सिवा मर्द नहीं, मर्द तो और भी है, इससे क्या पूछ रहा है? यानी मर्द अगरचे हैं लेकिन मिसल अली नहीं है, अली सबसे अफजल है। समझो मैं बात, तो मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे जो ये सियासी कानून लोग हैं ये देर बैठे के आदि नहीं, बाकी मजहबी लोगों को काफी काम चल रहा है, चार छह महीने पीड़ों में निकल जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी करके ये किस तरह चलेगा। मैं पूरी दुनिया में गया हूँ तो मेरी तकरीर अक्सर उलमा अक्सर होते रहे, तो उससे पूछा यार आप सुनने के तो आदि नहीं होते, कैसे सुनने के लिए? उनका आप ये तकरीर सुनने तो चार छह महीने आसानी से। तो आज का ये बयान ये अजमत आले बैत के मौजूद पर था और खास तौर पर नारा हैदरी, नारा हैदरी के रोकने की पूरी दुनिया में मुहिम चली हुई है। बदर में लगा एक होता है, आप लोग चिश्ती आपको ज्यादा पता है, पर मैं वो कुछ नसीब आदमी हूँ जो तलीमी जमाने में साबित किया अकलीदी अंकल की दरगाह पर निकाल और वो उनके आप भी कैसे नसीब देखें। हाँ उस वक्त उनके मिजार पर ये हजरत वाली बगदाद की शान में शेर लिखे हुए थे, ऐ पूछे तू किबला ईमान आशिका, सरकार बता रही थी, ऐ पूछे तू किबला ईमान आशिका। साबु पिया कलीरी रहमतुल्लाह अलैह है जिस गूलर के नीचे बैठ के आपने बारह गुजर चला कि बड़ की तरह का दरख्त होता है, उसके बाद जो फल लगते हैं वो गूलर उनको कहते हैं, हम तो गुल्ले कहते हैं, वो इसी लोहियत इसी बिरादरी को भी दर्शता है। उस के नीचे तकरीबन 15-16 हफ्ते मुझे ठहरने का मौका उसके बाद, और साहब की अकली भी रहमतुल्लाह अलैह कि ये करामत दिखी है। उस लोगों ने ये बात मशहूर थी कि हजरत साहब की अकली भी रहमतुल्लाह अलैह के एक ही ने अगर कोई बदकारी करे आग एक जोड़ जोड़े को अपनी आंखों से आग लगी सब दिया खड़े भी अंदर रुकी स्टेशन पर उतरते थे और वहाँ पैदल जाया करते थे और नहर इससे आप लाग गुजारी है वहाँ जेल से इससे ऊपर से नहर गुजरती है नीचे से वो
लोग आते जाते हैं। तो सामने भी अगली आपको इसका बहुत अच्छा पता होगा कि नाव से क्यों कोई गुनगुनाता है। तो आपके टेम्पो बनाते हैं ना भगवान, तो वो पहले नाव को ऐसे अंतर करके और वो खराब टेम्पो भी जो खुशाबी करना चाहिए एक पापी अंत में इंतकाम के अंत में एक पाई सभी में वो नाव में आवाज गूंजती है, उसका नाम है नाव। और आले इल्म की बोलचाल में किसी के नाम का ऊंचा करके एट द टॉप ऑफ वर्ड्स किसी का जिक्र करना, इसका नाम है नारा। सरकारी द्वारा में सामने नारा मारा, शाहबा ने मारा और मुस्लिम खाना भी मारा गया। अब नारों के तरीके से पल्ला पूरा कर बराबर करते हो नहीं, अली की शिजात लाओ तो फिर अली के बराबर के नारा। ये था आज का पैगाम। बयान में इख्तिसार और सादगी मौजूद रखी है, बड़ी मुश्किल से जाने का क्या महफूज रखी है हमारे लिबास के फौर बाद पर खाना लग जाएगा और कोई खाने के बगैर न जाए लगे हमारा ये बाप लगे हमारा ये इमाम हसन और इमाम हुसैन। और मैं देख रहा हूं कि इस अगली कतार में यूं सजा हुआ गुलदस्ता है, इमाम हसन के जलवे भी हैं, मेरे हुसैन के जलवे भी हैं। हजरत इमाम हुसैन के शहजादे भी मौजूद हैं, इमाम हसन के शहजादे भी मौजूद हैं। अमीर मिल्लत का ये भी करम है हम सब पर कि इस बज़्म में रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के दोनों शहजादों की औलाद का हमें दीदार नसीब हो रहा है। अल्लाह हजरत मेहरुल मिल्लत को खुश रखे, इनके पूरे खानदान को आबाद रखे, इनका सदका अल्लाह आप सबको आबाद रखे। अब जिस शख्सियत को मुझे दावत खिताब देने के लिए सदर महफिल का हुक्म हुआ है, बिला शक व शुबा वो ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत है कि जब वो मायके खिताबत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं, आपकी हालिया में हाजिर हूँ और मुझे हमेशा बैठ के